नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम लौटे हैं राजस्थान की बड़ी खबरों के साथ। मोदी इस बार भी जीते तो आगे चुनाव होने की कोई गारंटी नहीं, अशोक गहलोत ने दिया बड़ा बयान। अशोक गहलोत बोले, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, केंद्र सरकार हत्यारों को बचा रही है। छिंदवाड़ा में 80 लाख और मुरैना में 51 लाख जब्त, महाराष्ट्र और राजस्थान सीमाओं पर की गई कार्रवाई। कोटा में अतिक्रमण हटाने पर जोरदार विरोध करने की तैयारी, पेट्रोल लेकर बैठे लोग। उदयपुर में दिन दिहाड़े हिस्ट्री शीटर को गोलियां मारकर भुना गया, 19 साल के लड़के ने बदमाश को मारी 6 गोलियां। अलवर में दहेज लोभी पति ने की हद पार, जबरन कराया गर्भपात और हालात गंभीर। राजस्थान के कई हिस्सों में हिली धरती, दहशत से घरों से निकलकर भागे लोग। पाली में शराब के नशे में हुई आपसी कहासुनी, ट्रक चालक पर चाकू से किया ताबड़तोड़ हमला। मोदी जी तो फिल्मों में एक्टर की तरह लटके झटके करते हैं, ऐसा हमसे नहीं होता, सीएम गहलोत ने दिया बड़ा बयान। राजस्थान हाईकोर्ट का अहम फैसला, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते नहीं रह सकते विभागीय कार्यवाही। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 साल लटके झटके में ही पूरे कर डाले, पायलट ने दिया बड़ा बयान। मैं भी देशभक्त हूँ लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर चुनावी माहौल गलत है, गहलोत ने दिया बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव में गहलोत पायलट की जोड़ी लगाएगी सभाओं और रैलियों का अर्धशतक, लक्ष्य रखा 400 तक। कोटा में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले मनीष सिंह का बिहार में एनकाउंटर। राजस्थान एसओजी की बड़ी कार्यवाही, 42 लाख की लकड़ी के साथ 5 तस्करों को दबोचा गया। जयपुर में आज पे 17 मार्च 2019 को पेट्रोल की कीमत 73.16 रुपए। अलवर में मोबाइल छीनने और बाइक चुराने वाले गैंग का खुलासा, 2 नाबालिग समेत 3 पकड़े गए। राफेल यानी कि राहुल फेल मनगढ़ंत आरोप लगाने की में माहिर है कांग्रेस प्रकाश जावड़ेकर ने दिया बड़ा बयान। बाड़मेर में पाक नागरिक से 54,000 की नकली भारतीय मुद्रा बरामद, पूछताछ जारी। उदयपुर में दिन दहाड़े गोली मार कर युवक की हत्या, हमलावर हुए फरार। तो ये थी राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबरें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।